नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। बहुत सारे फ्रेंड्स भारी कंफ्यूजन में हैं कि अगर उन्होंने हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में उन्होंने नो कर रखा है और कंप्यूटर टंकन में भी नो कर रखा है तो क्या होगा, क्या उन्हें बिना टाइपिंग वाला पोस्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, जैसे कि हिंदी टाइपिंग में यस किया है, अंग्रेजी टाइपिंग में नो किया है, तो क्या उनको हिंदी टाइपिंग भी देना पड़ेगा। और अगर अंग्रेजी टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग में नो किया है, अंग्रेजी टाइपिंग में यस किया है और कंप्यूटर टाइपिंग में भी नो कर दिया है तो क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये तीनों हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन और कंप्यूटर टंकन में आखिर तीनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ था, आपने अगर मेंस का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ऑप्शन यस और नो करने का ऑप्शन एक मिला था, तो उस ऑप्शन पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे कि किस में यस करने से आप कौन से पोस्ट के लिए इलिजिबल होते हैं और किस में नो करने से आप कौन से पोस्ट के लिए इलिजिबल नहीं होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने यस और नो किया था उस पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपको ये वाला पेज आपको जरूर मिला होगा, इस टाइप का पेज आपको मिला होगा। इसमें आपको ऑप्शन था कि किसमें यस और किसमें नो करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने शॉर्ट हैंड यानी कि आंसू लिपि में आपने अगर यस कर रखा है, आंसू लिपि में अगर आपने यस कर रखा है तो आपका आंसू लिपि का एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आपने डिक्टेशन यानी श्रुति लेखन में यस कर रखा है तो आपका श्रुति लेखन का एग्जाम होगा, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आती है ये दोनों, और इसमें आप भारी कंफ्यूजन था, ठीक है। ये तीनों में आपको भारी कंफ्यूजन हो रहा है अभी कि हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग और ये कंप्यूटर टाइपिंग क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपने हिंदी में भी यस कर रखा है, इंग्लिश में भी यस कर रखा है, अगर आपने दोनों टाइपिंग में यस कर रखा है और कंप्यूटर टाइपिंग में भी यस कर रखा है तो आपको करना क्या होगा कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग दिया रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपको जाना रहेगा कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए, उसमें आपको ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों का एग्जाम होगा, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों का एग्जाम होगा। अगर आप दोनों में पास कर जाते हैं कंप्यूटर टाइपिंग में जाने के बाद, अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग में पास कर जाते हैं तो आपको जो जो पोस्ट में, जिस जिस पोस्ट में दोनों टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग का ज्ञान मांग रहा है तो वो पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर टाइपिंग में आप इंग्लिश टाइपिंग में पास कर जाते हैं लेकिन हिंदी टाइपिंग में फेल कर जाते हैं तो जिस जिस पोस्ट पर केवल अंग्रेजी टाइपिंग मांग रहा है, या तो हिंदी या अंग्रेजी, तो उसमें उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इंग्लिश में फेल करते हैं, हिंदी में पास करते हैं, तो जिसमें वैसा पोस्ट, सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जिसमें या तो हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग मांगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर अंग्रेजी टाइपिंग में यस किए, हिंदी में यस किए और इसमें एक में से फेल कर गए तो दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अब हम आते हैं कंप्यूटर संचालन में, तो कोई कोई पोस्ट ऐसा भी है उसमें जिसमें कंप्यूटर संचालन का ज्ञान मांग रहा है, तो अगर आप उसमें यस किए हुए हैं तो आप तैयार रहिए, आपका कंप्यूटर संचालन का जो एग्जाम होगा वो होने वाला है, ठीक है। अब है कंप्यूटर दक्षता। ये जो दोस्तों कंप्यूटर दक्षता जो है ये वांछित योग्यता में दिया गया है, वांछित योग्यता कहने का क्या मतलब होता है। वांछित योग्यता कहने का मतलब होता है कि इसमें आपका एग्जाम अभी नहीं होगा। वांछित योग्यता में क्या होता है कि आपका एग्जाम जो कंप्यूटर दक्षता का है वो अभी नहीं होगा। ये कब एग्जाम होता है, आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद दो साल के अंदर आपको कंप्यूटर दक्षता हासिल करनी है, उसके बाद इसका एग्जाम होता है। इसी को बोलते हैं वांछित योग्यता, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि जो एप्लीकेशन में जो पोस्ट का जो डिटेल्स दिया हुआ है तो उस पोस्ट पे देखते हैं और समझते हैं कि किस किस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग मांग रहा है और किस में केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी टाइपिंग मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उसमें जाकर के अब सीट का, पोस्ट का डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग पोस्ट का डिटेल देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कि आंसू सहायक अवर निरीक्षक, ये जो दो नंबर का पोस्ट है आंसू सहायक अवर निरीक्षक, इसमें क्या है, योग्यता में देखिए आप इंटर है प्लस में श्रुति लेखन डिक्टेशन है तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन।
यहाँ पर एवं लगा हुआ, इसका मतलब है कि दोनों चाहिए, इसमें श्रुति लेखन भी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टंकन चाहिए इसमें। तो अगर आप या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में फेल होते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, आपको यह पोस्ट नहीं मिलेगा। इसमें दोनों में पास होना पड़ेगा और साथ में श्रुति लेखन में भी पास होना पड़ेगा। ये जो है फिजिकल वाला पोस्ट है तो इसमें फिजिकल में भी पास होना पड़ेगा। जैसे टंकक सहायक अवर निरीक्षक है, इसमें इंटर तथा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में टंकन, इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टंकन मांग रहा है। अगर एक में भी फेल होते हैं आप तो इसमें नहीं आपको रखा जाएगा। उसी तरीके से आप आगे देखिए, आगे है 5 नंबर में है आंसू लिपिक, इसमें क्या है इंटर, आंसू लेखन, टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसमें इसको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आपकी जैसे इंटर है, आंसू लेखन है, यानी कि इंटर पास शॉर्ट हैंड आना चाहिए और टंकन आना चाहिए, ठीक है। तो टंकन आना चाहिए यानी टंकन में आपको या तो अंग्रेजी आना चाहिए या हिंदी आना चाहिए, यही हुआ कंप्यूटर टंकन। समझ में आपको यही हुआ कंप्यूटर टंकन, और कंप्यूटर दक्षता भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे वाला पोस्ट भी हम कुछ कुछ पोस्ट देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें देखिए 7 नंबर पोस्ट में, इसमें ये जो खाका बना हुआ है ये किसका है, तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आंसू लेखन, टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता, बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान। इसमें भी आपको देखिए टंकन दिया हुआ है, टंकन में ये नहीं दिया हुआ है कि अंग्रेजी या हिंदी, तो आपको इसमें से हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक में पास होना पड़ेगा, प्लस में शॉर्ट हैंड में भी पास होना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने यस किया है तो। अब देखिए, जैसे यहां पर देखिए आंसू लिपिक, आंसू टंकक नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में है, ठीक है। तो आंसू लेखन एवं कंप्यूटर संचालन में दक्षता, इसमें टाइपिंग नहीं है, आंसू लेखन है यानी कि शॉर्ट हैंड है, और कंप्यूटर संचालन में दक्षता इसमें चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसी तरीके से आप जैसे देखिए पंचायत सचिव का पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोकप्रिय पोस्ट है, अधिकतर लोगों का जो पोस्ट प्रिफरेंस है वो दूसरे नंबर पर पंचायत सचिव उसमें दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर पंचायत सचिव दिया हुआ है तो इसका हम लोग देखते हैं तो इसमें सिर्फ इंटर पास मांग रहा है और वांछित योग्यता में कंप्यूटर टंकन और एमएस ऑफिस का ज्ञान मांग रहा है। वांछित योग्यता में कंप्यूटर टंकन और एमएस ऑफिस का ज्ञान मांग रहा है। वांछित योग्यता मैंने बताया आपको कि वांछित योग्यता क्या होता है कि इसमें आपको कंप्यूटर टंकन अभी नहीं होगा, वो ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद तक इसमें कंप्यूटर टंकन पर और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक, यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क में एलडीसी है ये, तो इसका कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर में टंकन, ये कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर में टंकन इसमें आना चाहिए। काफी इसमें जैसे देखिए कंप्यूटर टंकन कहने का मतलब हो गया या तो हिंदी या अंग्रेजी, किसी में भी आपको एक में टंकन होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी जो क्लर्क है उसमें आपको सेम है कंप्यूटर संचालन और टंकन, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें आपने अगर कंप्यूटर टंकन में यस किया है, कंप्यूटर टंकन में यस किया है और हिंदी में नो किया है और इंग्लिश में भी नो कर दिया है तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इसमें से किसी एक में आपको यस करना था, या तो हिंदी में या नहीं तो इंग्लिश में, क्योंकि यही जो है अगर आपने इंग्लिश में भी नो कर दिया है तो कंप्यूटर टंकन में आपको टाइपिंग किसमें लिया जाएगा, टाइपिंग आपको उसमें नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पोस्ट देख लेते हैं। जैसे निम्न वर्गीय लिपिक है पर्यावरण वन विभाग में, इसमें देखिए कंप्यूटर संचालन और टंकन, ठीक है, इसमें संचालन का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर टंकन में हिंदी या तो इंग्लिश दोनों में कोई एक आपको इसमें, जितना भी कंप्यूटर टंकन वाला पोस्ट है सभी में या तो अंग्रेजी में या हिंदी में किसी एक में आपको कंप्यूटर टंकन होना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट आया था कि सर क्या इसमें कंप्यूटर टाइपिंग है तो उसमें क्या सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट का जरूरत इसमें नहीं पड़ता है, कंप्यूटर टाइपिंग आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें केवल आपको कंप्यूटर टंकन आना चाहिए, ठीक है, आपका एग्जाम लिया जाएगा इसमें से, ठीक है। आप देख रहे हैं सभी में कंप्यूटर टंकन, सभी में टंकन है, तो यानी कि सभी में या तो अंग्रेजी में या हिंदी में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन से
पोस्ट में कैसा टाइपिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।